बेटे के यहाँ कितनी आशा लेकर गए थे सूरज का बार बार बुलाना, पापा अब आप हमारे पास आकर रहिए, आप आएंगे तो मैं बड़ा घर ले लूँगा। इन्हीं आश्वासनों के भरोसे सोचा चलकर देखते हैं, वहाँ मन लग गया तो शेष जीवन सूरज के पास ही गुजार देंगे, अब कहीं ना कहीं तो सेटल होना ही है। वहाँ रहेंगे तो उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी, हम भी अपना घर अपना शहर भूलकर बच्चों में रम जाएंगे। पर कहाँ, वहाँ भी जल्द ही मोह भंग हो गया, सूरज और काजल का दफ्तर चले जाना, बच्चों का स्कूल तो था ही, हम दोनों को वहाँ भी अकेला कर जाती, शारदा का काम और भी बढ़ गया, बच्चों के जाने पर सब समेटना, नाश्ता खाना बनाना, बहू के लौटने से पहले रात के खाने की तैयारी करना, इस तरह सारा काम। रात होते होते शारदा थक कर चूर हो जाती, नौकरानी तो समय पर आती चली जाती, वह अपने से कुछ भी न कहे पर मैं उसका सूखा चेहरा देखकर व्याकुल हो जाता। हाँ, काजल शारदा के कारण काफ़ी रिलैक्स लगती, अब वह जब तब अपने काम शारदा को सौंपने लगी। मैं सोचता इस तरह कितने दिन चलेगा, शारदा तो कुछ कहेगी नहीं, अगर वह काम के बोझ के कारण अधिक बीमार हो गई तो। अभी इसी उधेड़बुन में था कि मुझे लगने लगा कि बच्चे हमसे कुछ खींचे खींचे से रहने लगे हैं, पहले के जैसे खुशी उनके चेहरे से गायब होने लगी है। मीनू और शुभम भी अब पहले की तरह स्कूल से आकर दादी दादा करके लिपटते चिपटते नहीं हैं। क्या हो गया है इन्हें, कहीं हम बोझ तो नहीं बन रहे हैं? सामने से तो कोई कुछ भी नहीं कहता, परंतु कुछ बातें कहने से ज़्यादा समझी जाती है, यही मैं अनुभव कर रहा था। जल्द ही बच्चों की उदासीनता का कारण पता चल गया। एक दिन सूरज को फ़ोन पर बात करते सुना, यार तू ठीक कहता है, कितने दिन से हम सब इकट्ठे नहीं हुए, जब से मम्मी पापा आए हैं तब से कहाँ मिल सके। मेरा और काजल का मन भी बहुत करता है कि पहले की तरह घूमे फिरे, छुट्टी के दिन पीने पिलाने का प्रोग्राम बने, परंतु इनके रहते नहीं लगता कि पहले वाला दिन लौट कर आएंगे। अब तो लगता है इनका यही रहने का पक्का प्रोग्राम बन गया है, 5 महीने होने को आए लेकिन अभी तक वो वापस जाने की बात भी नहीं करते। पर तू चिंता मत कर यार, कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ, जल्द ही पुराने वाले दिन लौट आएंगे। तुम्हारी भाभी का भी यही हाल है, बच्चे अलग सह में रहते हैं, अजब लाचारी है। सूरज की बातें सुनकर मैं तो सतबद्ध रह गया, अब मुझे समझ आ गया कि बच्चे इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, यह हमारी उपस्थिति से ऊब गए हैं, जल्द ही हमसे छुटकारा चाहते हैं। सूरज को ही क्यों दोष दूँ, पिछली बार मोहित के यहाँ जब मुंबई गए वहाँ से भी क्या मीठी यादें लेकर लौट सके, उनके बाद क्या वहाँ फिर जाने की हिम्मत जुटा पाए। नहीं, शारदा यदि यह सब सुन लेती तो तब क्या होता, नहीं नहीं उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका बीमार दिल क्या यह झटका सह पाएगा। हम दोनों कितने प्यार और विश्वास से यहाँ आए थे भविष्य की सुखद कल्पनाओं के साथ, खैर सपने तो सपने होते हैं, अब जल्द से जल्द लौटने का रिजर्वेशन करवाना होगा। अब यहाँ से मन उचट गया है, इस तरह अनिश्चित भविष्य को लिए हम कोलकाता लौट आए बिना बच्चों को यह अनुभव कराए कि हम तुमसे नाराज हैं। दिन बीतते जा रहे थे, शारदा तो घर गृहस्थी के कार्य में व्यस्त रहने लगी, इधर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, अब आगे क्या। पड़ोसी लाख अच्छे हैं, उनकी भी तो सीमाएं हैं, उम्र हमें अब जवान तो बना नहीं देगी, बुढ़ापे की तरफ नित्य ही कदम बढ़ते जा रहे हैं, हम दोनों हमेशा तो साथ नहीं रह सकते, एक न एक को तो इस दुनिया से पहले जाना होगा। तब यही प्रश्न मुझे अंदर अंदर तोड़ रहा था। एक दिन बरसों बाद मेरे बचपन के साथी धीरज का फोन आया कि वह एक शादी में पत्नी सहित कोलकाता आ रहा है, वह हमारे पास ही रुकना चाहता है। यह सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया, शारदा भी बहुत प्रसन्न हुई, हम दोनों ही उनके स्वागत की तैयारियों में लग गए। धीरज मेरे बचपन का दोस्त, मेरा लंगोटिया यार, गलियों में गिली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, साथ साथ पढ़ना, एक दूसरे के घर में खाना खाना हमारा नित्य का काम था। अब तो वर्षों हो गए उससे मिले, उसे रिटायर हुए भी कई वर्ष बीत गए, उसे लेने हम दोनों स्टेशन गए, 5 दिन का उसका कोलकाता प्रवास बहुत ही व्यस्त रहा, खूब बातें हुई, एक दूसरे के निजी बातें भी शेयर की, आजकल कहाँ रह रहे हो पूछने पर उसने जो कुछ बताया वह मेरे भविष्य के निर्णय के लिए विचारणीय प्रश्न बन गया। उसने बताया कि मैंने अपना घर बेचकर पंजाब के एक वृद्ध आश्रम में घर खरीद लिया है, उसके एक साथी भी पहले से वहाँ रहते थे, उनकी मजबूरी यह थी कि 4-4 बेटों के रहते हुए बेटों के पास माँ बाप के लिए ना समय था ना प्यार, उन्होंने ही उसे आश्रम में रहने को प्रेरित किया। उसने बताया यार बड़ा विराट और भव्य आश्रम है जो कई एकड़ में फैला है, अनेकों वृद्ध दंपति वहां शानदार तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब अपने बच्चों से तिरस्कृत ही हो, कुछ लोग तो परिस्थितिवश बच्चों की सहमति से वहां रह रहे हैं, समय समय पर उनके बच्चे भी वहां आकर रहते हैं, वे भी बाहर आ जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। बेटी की मृत्यु के बाद हमें तो इसी आश्रम ने संभाला, वरना हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। आश्रम क्या है, एक वृहत परिवार है जहाँ
सब अपनी अपनी संस्कृति एवं आस्था के साथ रहते हैं, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं। धीरज सब बताते हुए काफी भावुक हो गया। मुझे भी भविष्य की राह दिखाई देने लगी। मैंने उससे सब विस्तार में जानना चाहा। उसने बताया, आश्रम में एक एवं दो कमरे की कॉटेज बनी है। आप अपने हिसाब से कॉटेज खरीद लो। खाना सामूहिक रसोई में बनता है। चाहो तो अपनी रसोई में बना लो या सामूहिक रसोई में खा लो। उसका दाम हर व्यक्ति के हिसाब से अलग देना होगा। यदि वहाँ की कॉटेज पसंद न हो तो जमीन आश्रम से खरीद कर अपनी पसंद का घर बनवा लो। मैंने तो अपना घर बेचकर दो कमरे बनवा लिए हैं। बचा पैसा भविष्य के लिए बैंक में डलवा दिया है। पेंशन तो है ही, हम तो वहाँ बहुत प्रसन्न और सुरक्षित है। हाँ, एक बात है, आप दोनों के बाद आपका घर आश्रम की संपत्ति होगा। आपका अधिकार केवल आपके जीवित काल में ही होगा। बीमार पड़ने पर वहाँ एक छोटा सा अस्पताल भी है। जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जब वहाँ आओगे तब सब अपनी आँखों से स्वयं देख लेना। तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए तो कहना। अपने मन की बातें धीरज के साथ साझा करने से मुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ। उसने मुझे यही सलाह दी कि हम दोनों को भी वहीं आकर रहना चाहिए। इसमें बच्चों का भी कोई दोष नहीं है। आजकल की दिनचर्या ही ऐसी बन गई है कि माता पिता के लिए उनकी गृहस्थी में कम ही स्थान निकल पाता है। फिर वहाँ रहकर तुम बच्चों से अलग कहाँ हो रहे हो। जैसे वह कोलकाता आते हैं अब पंजाब आएंगे, तुम भी उनके पास जब चाहो जाकर रहो। आश्रम के द्वार हमेशा के लिए खुले हैं। फिर हम दोनों तो है ही। उसकी बातों से मैं काफ़ी आश्वस्त हो गया। अब बस शारदा से बात करके भविष्य की राह निश्चित करनी थी। मेरे मन में दृढ़ निश्चय आकार लेने लगा। धीरज के जाने के बाद मैंने सब बातें शारदा को बताई। इसी संदर्भ में मुझे दिल्ली में घटी घटना से भी उसे अवगत कराना पड़ा। सुनकर वह सतबद्ध रह गई, लेकिन उसने धैर्य दिखाते हुए सोचने का समय मांगा। दो दिन बाद उसने मेरे निर्णय से सहमति जताई। मुझे लगता है कि वह खुद भी बच्चों के व्यवहार से दुखी थी। मुझसे उसने कभी परेशानियां शेयर नहीं की। अगर एक बार बच्चों से पूछ लेते, उसने दबी आवाज़ में प्रस्ताव रखा जिसे मैंने दृढ़ता से ठुकरा दिया। अब हम व्यवस्था करके दोनों बच्चों को सुचित भर करेंगे। मेरा निश्चय अटल है। मकान बेचने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली। उसने जल्द ही कोई ग्राहक बताने को कहा। इस बीच हम पंजाब जाकर आश्रम की सारी व्यवस्था स्वयं देख आए। वहाँ सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था, बल्कि उसके बताए हुए से भी कहीं अधिक। दो कमरों की एक कॉटेज शारदा को पसंद आई। आश्रम से लौटकर सूरज और मोहित को फोन पर सब बातें विस्तार से बता दी। प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, वह हुई भी। दोनों ही परेशान लगे। उन्होंने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन मैं बार बार अतीत के कटु अनुभवों को दोहराने को तैयार नहीं था। शारदा भी एक बार तो बच्चों के आग्रह से विचलित लगी। इस बात की क्या गारंटी थी कि भविष्य में फिर से वह सब नहीं दोहराया जाएगा। भविष्य में तो हम दोनों और अधिक असक्त ही होंगे। अब इतना आगे बढ़कर निर्णय बदलना असंभव था, इसलिए विनम्रता से बच्चों का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया। पड़ोसियों एवं मित्रों ने भी क्या कम प्रयत्न किए हमें अपना निर्णय बदलने के लिए। मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी थी, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।